3 दिवसीय उत्सव में एकल नृत्य, एकल गायन, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गायन, रंगोली की प्रस्तुति छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में प्रथम और दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तर पर ले जाया जा रहा है। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्र छात्राओं को संभाग लेवल पर ले जाया जाएगा। इस तरह आज छत्रसाल महाविद्यालय में युवा महोत्सव समारोह का समापन किया गया, जिसमें प्राचार्य द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। युवा उत्सव समारोह के सांस्कृतिक प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर भावना भटनागर, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद यादव द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के रूप में संगीतकार संजीव शर्मा, संगीतकार ब्रजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा गायन प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण पराशर, पत्रकार सचिन राज भट्ट, पत्रकार अनिल भदौरिया, पत्रकार सत्येंद्र सिंह गर, पत्रकार राजीव निखरौर, संगीतकार संजीव शर्मा, ब्रजेंद्र श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। मैडम, छत्रसाल महाविद्यालय में युवा उत्सव का समारोह किया गया, आज समापन हुआ, किस तरह ये तैयारी हुई युवाओं के लिए, क्या कहना है? ये 3 दिवसीय प्रतियोगिताएं थी युवा उत्सव की, तो इसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो हमारे विनर रहे हैं उनको हम शिवपुरी गर्ल्स कॉलेज में भेजेंगे, जहां पर वो अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और हमने ये देखा 3 दिनों में कि यहां पर जो बच्चे हैं आगे बढ़ने की बहुत उनमें इच्छा है और वो आगे जाएंगे, ऐसा हमने उनमें कौशल देखा है और वो आगे बढ़ेंगे, यही हम आपसे कहेंगे। और जो बच्चे यहाँ के आज 10 विधाओं हुई हैं, 10 विधाओं में जो फर्स्ट पर आए, प्रथम स्थान पर आए, उन्हें हम शिवपुरी गर्ल्स कॉलेज में भेजेंगे, जहाँ पर वो विनर हो के आएंगे। इतना हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली हैं, वो आगे विनर रहेंगे और जिला स्तर से जाके फिर जीवाजी जाएंगे। धन्यवाद। सर, महाविद्यालय में युवा उत्सव समारोह 3 दिवसीय चला, आज समापन हुआ, क्या कुछ कहना है इस बारे में? कार्यक्रम सफलतापूर्वक रहा, हमारे पिछोर क्षेत्र के छात्रों में जो प्रतिभाएं थीं वो उभरकर सामने आईं और निश्चित रूप से ये प्रतिभाएं जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का भी और महाविद्यालय का भी।